हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हम FRI कॉलेज जस्ट आ ही गए। FRI कॉलेज जहां पर बॉलीवुड की 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। अभी FRI कॉलेज पहुंचने के बाद फिर हमें एंट्रेंस पे ही टिकट लेना होता है। सामने इसके पार्किंग है, पार्किंग में आप कार पार्क करके टिकट ले सकते हैं। तो इसके बाद ये देहरादून की हमारी लास्ट लोकेशन होगी, इसके बाद हम निकल जाएंगे हम हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, टिकट लेते ही हम निकल गए गेट से। टिकट इन्होंने दिया है 85 रुपीज़ में, 3 पर्सन का टिकट दिया है हमें FRI कॉलेज में घूमने का। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहते हैं वहाँ भी टिकट मिलेगा आप लोगों को। वहाँ पर क्या है, जो जूलॉजी बॉटनी में इंटरेस्टेड हैं उनका अलग से टिकट रहेगा। उस पोर्शन में हम नहीं गए क्योंकि हमें कुछ समझ तो आना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम खाली बाहर के पोर्शन का ही टिकट ले लेते हैं। तो एंट्रेंस का ही टिकट लिया हमने जो कि 3 पर्सन का 85 रुपीज था। अगर आप चाहें तो जूलॉजी बॉटनी में इंटरेस्टेड है तो एक्स्ट्रा टिकट भी ले सकते हैं आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो। बाकी नजारा आप लोग देख ही रहे हैं कैसा ये देखने में है कॉलेज। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा फुल फॉर्म बनता है FRI का। वैसे FRI के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। इसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कृष्णा कॉटेज और रहना है तेरे दिल में, ये 3 फिल्में इस कॉलेज में रिलीज हुई हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। दोस्तों, ये है वो कॉलेज जो आप देख रहे हैं। इसका असल में ये बैक साइड है, फ्रंट साइड भी दिखाएंगे आप लोगों को। अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ कॉलेज है, ईंटों से बना हुआ है और बहुत अच्छा कॉलेज है, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI कॉलेज है ये, काफी बार बता चुका हूँ। इस कॉलेज की पार्किंग जो है वो ये है, यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं वो गाड़ियाँ वगैरह इधर पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमने एंटर किया। वैसे आप एंट्रेंस किसी भी साइड से कर सकते हैं। इस कॉलेज को इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी तरफ से कर सकते हैं आप। काफी एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्रेंस गेट काफी हैं इसके। तो एक बात तो इस कॉलेज को देखकर मैं जरूर कहूंगा कि अंग्रेज जो थे वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट थे। सच में बहुत खूबसूरत कॉलेज बना रखा है और हवादार है। तो दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस कॉलेज का है फ्रंट व्यू। सामने से ये कॉलेज ऐसा दिखता है। अभी थोड़ा सा दूर जाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये है गाइज, आप जो देख रहे हैं ये प्रूफ है इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का, जो कि यहाँ पर शूट हुई थी। यहाँ से निकल चुके हैं हम देहरादून से हरिद्वार के लिए। रास्ते में कहीं हम ब्रेकफास्ट सुबह से नहीं किया है, हालांकि लंच का टाइम हो गया है, पर ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे ही करना पड़ रहा है क्योंकि व्लॉग बनाने में इतना बिजी थे। आप लोगों को दिखाने के लिए देख लो इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। आगे कोई देखते हैं अच्छी सी लोकेशन कोई जहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।